प्रिय पाठकों, आप सभी का मेरे इस चैनल में फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। तो चलिए अयोध्या कांड के पंक्तियों के व्याख्या एवं पठन की ओर बढ़ते हैं। कीड़ के कागर जो निपचीर विभूपन अपम अंगनी पाई औध तजी मगबास के रूख ज्यो पंथ के साध जो लोग लुगाई सग सुबंधु पुनित प्रिया मनोधर्म क्रिया धरि देह सुहाई राजीव लोचन राम चले तज बाप को राज बटाओ किनाई। तो आइए पंक्तियों की प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत अवतरण में तुलसीदास जी ने श्री राम के वन प्रस्थान का वर्णन किया है। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु राम ने वन को प्रस्थान करते समय राजोचित अर्थात राज्य के वस्त्रों एवं आभूषणों को उसी प्रकार त्याग दिया था जैसे वसंत ऋतु में तोता अपने पंखों को त्याग देता है। तुलसीदास जी आगे उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे कोई पथिक थक कर कहीं राजमार्ग में वृक्ष के नीचे विश्राम करता है और फिर उसे त्याग कर अपने लक्ष्य की ओर आगे चल देता है, उसी प्रकार राम ने अयोध्या नगरी को त्याग दिया। उन्होंने मार्ग पर चलने वाले असंख्य नर नारियों का साथ इसी प्रकार छोड़ दिया। राम के साथ वन प्रस्थान में उनके छोटे भाई एवं सुयोग्य लक्ष्मण थे तथा उनकी पवित्र विचारों वाली पत्नी सीता भी थी, जिन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो धर्म तथा क्रिया ने मूर्त रूप धारण कर लिया हो। कमल नेत्र प्रभु राम अपने पिता दशरथ के राज्य अयोध्या को त्याग कर इस प्रकार चल दिए जिस प्रकार कोई पथिक अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ता जाता है, उसे लक्ष्य प्राप्ति की कोई चिंता ही नहीं रहती, किसी प्रकार का आकर्षण उसे नहीं होता है। इस प्रकार से यहाँ श्री राम जी भी उस पथिक की तरह है जिन्हें अपने पीछे किसी भी प्रकार का कोई चिंता या प्रलोभन नहीं है। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो यहाँ अलंकार के रूप में उपमा तथा उत्प्रेक्षा एवं अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो चलिए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। पात भरी सहरी सकल सूत बारे बारे केवट की जाति कछु वेद न पढ़ाई हो सब परिवार मेरो याही लागी राजा जो हों दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो गौतम की धरनी ज्यों तरनी तरेगी मेरी प्रभु सो विषाद है कह बात न बढ़ाई हो तुलसी के इस राम रावरों सो साची कहा बिना पग धोए नाव न चढ़ाई हो। तो आइए इन पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तुलसीदास जी ने केवट अर्थात नाविक के मनोभावों का वर्णन किया है। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में केवट अर्थात नाविक ने राम से नम्र निवेदन किया है कि भगवान मेरा परिवार तो एक पत्तल भरी मछलियों के समान है, अर्थात मेरे परिवार के जीविका निर्वाह का एक सीमित साधन है। मेरे परिवार में बाल बच्चे छोटे छोटे हैं, अर्थात मेरा कच्चा परिवार है। मेरे सिवा कोई दूसरा सदस्य जीविका के निर्वाह में समर्थ नहीं है। मैं जाति से केवट अर्थात मलाह हूँ, अतः मैं अपने बच्चों को वेद तो पढ़ा नहीं सकता हूँ। हे राजन, मेरा तो सारे परिवार का पेट इसी मात नाव के द्वारा ही पलता है। मैं दीन एवं धनहीन हूँ, यदि यह मेरी नाव तर गई तो मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं
दूसरी नाव बनवा सकूं। जिस प्रकार मुनि गौतम की पत्नी अहल्या तर गई, यदि नाव भी उसी प्रकार तर गई तो मैं कहीं का भी न रहूंगा, मेरी जीविका का एकमात्र साधन ही समाप्त हो जाएगा। मैं निषाद जाति का एक व्यक्ति हूँ और आप प्रभु हैं, मैं आपसे बात नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। तो हे स्वामी, आपकी शपथ खाकर मैं कहता हूँ कि मैं आपके चरणों को बिना धोए आपको नौका पर नहीं चढ़ाऊंगा। इस प्रकार इन पंक्तों में अगर हम विशेष की बात करें तो यहाँ स्वभावोक्ति एवं अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो चलिए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। बनिता बनी श्यामल गौर के बीच बिलोक रिसखी मोही सी है, मगजोग न कोमल क्यों चली है, सकुचात महीपद पंकज छवे, तुलसी मुनि ग्राम वधु विथकी पुल की तन और चले लोचन च्वे, सब माती मनोहर मोहन रूप अनूप है भूप के बालक द्वय। तो चलिए पंक्तों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। यहाँ श्री राम लक्ष्मण और सीता जब अयोध्या को छोड़कर वन की ओर प्रस्थान करते हैं तो मार्ग में स्थित ग्रामों की स्त्रियां उनके रूप को देखकर चकित रह गई है। वे उन्हें अवलोकन पर कर परस्पर दुख प्रकट करती हुई वार्तालाप करने लगी। तुलसीदास ने यहाँ ग्रामीण नारियों की मिठास और सहानुभूति युक्त बातचीत को सुंदर शब्दों में प्रकट किया है। तो चलिए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में एक ग्रामीण स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है कि हे सखी, मेरे समान तल्लीन होकर देखो, श्याम वर्ण और गौर वर्ण राजकुमारों के मध्य एक स्त्री विराजमान है जो अति सुंदर है। वह अत्यंत कोमल है, मार्ग में चलने योग्य नहीं है। कैसे मार्ग में वह चलेगी, इसके चरण रूपी कमलों का स्पर्श करने से तो पृथ्वी भी अर्थात भूमि भी संकुचित हो रही है। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि उसके वचन सुनकर सब ग्रामीण नारियां चकित हो गई, उनके शरीर रोमांचित और पुलकित हो गए और नेत्रों से अश्रु प्रभावित होने लगे। सब प्रेम के वशीभूत होकर कहने लगे कि राजा के दोनों बालक सभी भांति सुंदर है, उनका सुंदर रूप मन को विमोहित करने वाला है, इनकी उपमा का कोई उपमान नहीं है। इस प्रकार इन पंक्तों में हम अलंकार की बात करें तो यहाँ रूपक और धर्म वाचन उपमान लुप्तोपमा का प्रयोग हुआ है। तो चलिए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। सांवरे गोर सलोने सुभाए, मनोहरता जीती मैंने ली हो है, बान कमान विसंग कसे, सिर सोहे जटा मुनिवेश क्यों है, संग लिए विधु बैनी वधु रति को जे ही रचक रूप दियो है, पायन तो पन ही न पया देही क्यों चली है, सकुचात ही हो है। तो आइए इन पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। जब श्री राम सीता और लक्ष्मण जी वन को जाते समय किसी ग्राम के समीप से गुजरते हैं तो उस ग्राम की नारियां उनके संबंध में परस्पर वार्तालाप करती है। तो चलिए पंक्तियों की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में एक ग्रामीण स्त्री दूसरे ग्रामीण स्त्री से कहती है कि श्याम वर्ण और गौर वर्ण अर्थात गोरे वर्ण वाले दोनों राजकुमार स्वभाव से बहुत सुंदर हैं और उन्होंने अपनी मनोहरता में तो कामदेव को भी जीत लिया है। हाथों में धनुष बाण लिए हुए हैं और कमर में तरकस कसा हुआ है, उनके सिर पर जटाएं सुशोभित है और
मुनियों जैसा वेश धारण किए हुआ है, साथ चंद्रमा के सदृश मुखवली वधु है जिसने रति को भी अपने रूप में से थोड़ा सा रूप दे दिया है। उनके पैरों में जूतियां भी नहीं है, भला मार्ग में वे कैसे पैदल चल सकेंगे, उन्हें देखकर तो मेरा हृदय सकुचाता है। इस प्रकार से जो है यहाँ तुलसीदास जी ने ग्रामीण स्त्रियों के माध्यम से श्री राम लक्ष्मण एवं सीता के कोमल पैरों के वर्णन किया है। इस प्रकार से यहाँ हम विशेष की बात करें तो यहाँ अनुप्रास और प्रतीक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो चलिए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। सुनी सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जान भली, तिरछे करी नैन दैसैन तिन्हें समझाई कछु मस्काई चली, तुलसी तेही अवसर सोहे सबे अवलोकति लोचन लाहु अली, अनुराग तराग में भानु उदय बिगसी मनो मंजुन कंज अली। तो चलिए पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। श्री राम सीता और लक्ष्मण वनवास की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात वर मार्ग से होकर जा रहे हैं। तीनों ही सुंदरता में अद्वितीय हैं। मार्ग में आने जाने वाले नर नारी और ग्रामीण उनके अचिंद्य सौंदर्य को देखकर विमोहित हो जाते हैं। नारी समाज सीता जी से अपनी जिज्ञासा की शांति है तो श्याम वर्ण राजकुमार से उनके संबंध में जानना चाहती है। यहाँ सीता जी अपनी आंगिक भाव भंगिमाओं द्वारा उन्हें बतला देती है कि ये मेरे पति हैं। तो चलिए पंक्तियों की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में ग्रामीण वधुओं के अमृत युक्त वचनों को सुनकर सीता जी यह भली भांति जान गई कि ये ग्रामीण नारियां सयानी और चतुर है, अतः श्री रामचंद्र की ओर तिरछी दृष्टि कर चितवन युक्त कटाक्ष कर और मुस्कुराकर सीता जी ने उन्हें अपना मंतव्य स्पष्ट कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय सभी ग्रामीण नारियां नेत्रों का पुण्य लाभ प्राप्त करने लगी। उस समय वे इस प्रकार सुशोभित हो रही थी मानो प्रेम रूपी सरोवर में राम रूपी सूर्य के उदय होने से सुंदर कमल के समान नारियों के आंखें विकसित हो गई हों। यहाँ प्रेम सरोवर राम सूर्य और कंजकली ग्रामीण नारियों के नेत्र को कहा गया है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ तुलसीदास जी ने ग्रामीण नारियों के माध्यम से तीनों के मुखमंडल की सुंदरता को यहाँ चरितार्थ किया है। इन पंक्तियों में हम विशेष की बात करें तो यहाँ अनुप्रास रूपक तथा उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार मैं आशा करता हूँ कि मेरा यह व्याख्यान आप लोगों के लिए सार्थक सिद्ध हो। इसी आशा के लिए साथ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।